आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हर रोज की तरह आज एक बार फिर हम सब मिलके परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये दोपहर हमें देखने के लिए दी और अभी प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें ये उपस्थिति दी। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, क्योंकि पिताजी आप दयालु परमेश्वर हैं, क्योंकि पिताजी सचमुच आप पवित्र परमेश्वर हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आज का दिन पिताजी आपने संभाल के रखा। पिता आज के दिन हमें पिताजी आपने अच्छा भोजन दिया, अच्छे वस्त्र दिए पिताजी, अच्छे तरीके से रखा पिताजी, हर शैतान की युक्तियों से बचा के रखा पिताजी, हर दुष्ट की शक्तियों से बचा के रखा पिताजी, हर एक बीमारी से बचा के रखा पिताजी, हर एक एक्सीडेंट से बचा के रखा पिताजी, हर एक कलेश से बचा के रखा पिताजी, हर एक बीमारी से बचा के रखा पिताजी, हर एक अशांति से बचा के रखा पिताजी, हर एक महामारी से बचा के रखा पिताजी, और हर एक पिताजी भुखमरी से बचा के रखा पिताजी। आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और पिताजी आपके चरणों में इस वक्त दोपहर के वक्त पिता आपके चरणों में हाजिर होते हैं पिताजी, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। आज सभी लोगों के लिए जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिताजी, मैं उनके लिए विशेष करके आज की प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी। उनके जीवनों में पिता आप काम कीजिए, उनके हृदय में मेरे पिता आप काम कीजिए, उन्हें पिताजी ब्लेसिंग से अपने भर दीजिए पिता, क्योंकि आप ब्लेस से भरने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए आज की ये प्रार्थना पिताजी उनके जीवन में काम करने पाए। जब लोग पिताजी ये प्रार्थना को सुने तो पिताजी प्रार्थना को सुनने से पिताजी उनके घरों में आशीषें आने पाए। पिताजी आप उन लोगों को ब्लेस करो पिताजी, पवित्र आत्मा जी आप उन लोगों को टच करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो लोग पिताजी आपकी हुजूरी में मौजूद होने पाए हर दिन पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग पिताजी प्रार्थना में बहुत छोटे हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जिनको प्रार्थना करनी ही नहीं आती है पिताजी, मैं आपसे उनके लिए दया मांगती हूँ। और पिताजी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को आप अपने पवित्र आत्मा जी से भर दो पिताजी, ताकि वो पवित्र आत्मा जी पिताजी लोगों की मदद करने पाए, लोगों को प्रार्थना सिखाने पाए, क्योंकि पिताजी प्रार्थना तो आपकी और से है। और पिताजी जब आप दुनिया में थे तो पिताजी आपने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया था, उसी तरह पिताजी आप इन लोगों को भी प्रार्थना करने सिखाओ। जिस तरह पिताजी तीन वक्त की आप प्रार्थना किया करते थे पिताजी, उसी तरह इन लोगों को भी पिताजी प्रार्थना करने सिखाओ, क्योंकि आप तो हर वक्त प्रार्थना में थे पिताजी, आप तो हर वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उसी तरह पिताजी सब लोगों को प्रार्थना करने सिखाओ, सब लोगों को प्रार्थना में मजबूत बनाओ मेरे परमेश्वर पिताजी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप प्रार्थना में मजबूत बनाने वाले परमेश्वर हो पिताजी। मैं जानती हूँ कि पिताजी हम विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारी प्रार्थना है, और ऐसा हो ही नहीं सकता पिता कि आप हमारी प्रार्थना को अनसुनी करें, आप हमारी प्रार्थना को ना सुने। मेरा विश्वास है पिताजी कि आप हमारी प्रार्थना को उसी वक्त सुन लेते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, और विशेष करके आज कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। कोरोना वायरस दुनिया में बड़ा है पिताजी, आज कोरोना वायरस से कितने लोग पिताजी मर चुके हैं, कितने लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं पिताजी, कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोग इस वक्त कोरोना वायरस में फंसे हुए हैं पिताजी, कितने लोगों को कोरोना वायरस इस वक्त हो चुका है मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, विशेष करके पिताजी पूरे हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों के घर में आप शांति दो, उन लोगों के मनों में आप शांति दो जो लोग कोरोना वायरस में मर चुके हैं पिताजी। उनके टूटे हुए घर को आप जोड़ो, उनके टूटे हुए दिलों को आप जोड़ो पिताजी। जो लोग इस वक्त जिनको कोरोना वायरस हो चुका है पिता, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनका कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए, क्योंकि पिता आपके नाम इतना सामर्थ है कि पिताजी कोई भी बीमारी आपके नाम के आगे टिक ही नहीं सकती है पिताजी। और मेरा विश्वास है पिताजी कि आपके कूड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं पिता, आपके कूड़े खाने से आज सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, सारा कोरोना वायरस जिनको है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके कोड़े खाने से पिताजी चंगा हो गया है।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिताजी, अगर आपकी इच्छा हो तो इस कोरोना वायरस को हमारी पृथ्वी से ख़त्म कर दीजिए। पिताजी, फिर भी मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। मैं अपनी पृथ्वी को, अपने लोगों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पिता, आप रक्षा करो। आज पिताजी बहुत सारी महामारियाँ हमारी पृथ्वी में हैं, कहीं महामारियाँ हैं तो पिताजी कहीं भूकंप है, और पिताजी कहीं भुखमरी है पिताजी, तो कहीं बाढ़ आ रही है पिताजी। रोज़ नई नई खबरें सुनने को मिलती है पिताजी। आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोगों के घर बाढ़ में डूब चुके हैं, जो लोगों की फसलें बाढ़ में खत्म हो चुकी हैं, प्रभु जी आप उनको अपनी असीम आशीषों से भरो पिताजी। उनके जीवन में आप काम करो पिताजी, उन्हें ब्लेस कर दो पिताजी। उनके टूटे हुए घरों को, टूटे हुए दिलों को आप जोड़ दो पिताजी। जो उनका नुकसान हुआ पिताजी, उनकी भरपाई आप करो, क्योंकि पिताजी आप तो राजा हो और आपके सामने कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिताजी आप राजा हो और आपके पास हर एक चीज़ है पिताजी। अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो पिताजी हम आपसे कभी नहीं मांगते, पर मुझे पता है कि आप राजा हो, आपके पास हर एक चीज़ है, और हो ही नहीं सकता कि पिताजी आप, हम जो आपसे मांगे वो आप हमें ना दो। ये पिताजी कोई बात ही नहीं हो सकती पिताजी, कि आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। आप तो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हो पिताजी। इब्राहिम की पत्नी सारा पिताजी, उसको पिताजी आपने 90 ईयर्स में पिताजी आपने उसे बच्चे की आशीष दी, तो पिताजी ये तो इम्पॉसिबल चीज़ थी, पर आपने उसे पॉसिबल किया, तो फिर आप अभी क्यों ना पॉसिबल करोगे पिता? आप तो ज़िंदगी भर पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हो पिताजी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो लोगों के घर पिताजी भूकंप में टूट चुके हैं प्रभु जी, आप, मैं उन बच्चों को, उन लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप संभालो उनको पिताजी। इस वक्त मैं जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी। बहुत सारे जवान बच्चे जो हैं पिताजी, इस वक्त पाप में घिरे हुए हैं, गंदे वीडियोस देख रहे हैं पिताजी, गंदे काम कर रहे हैं, जो आपकी नज़र में बहुत बड़ा पाप है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा जी से भर दो, और पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो बच्चे पिताजी आज जो भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से गंदे वीडियो देखना छोड़ दें पिताजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन्हें पवित्र आत्मा जी दीजिए, उन्हें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए पिताजी, कि आज वो अपने बुरे कामों से पिताजी दूर भागने लग जाएं, वो आज पिताजी आपकी हुजूरी में आने लग जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आज जो बच्चों के पिताजी एग्जाम चल रहे हैं पिताजी, बहुत सारे कोरोना वायरस के वजह से पिताजी बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन आजकल हो रही है पिताजी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों का बुद्धि और ज्ञान से भरो। जो बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं प्रभु जी, उन लोगों को पिताजी, उन बच्चों को आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरो पिताजी, ताकि वो अपने एग्जाम को अच्छे से देने वाले बनने पाए पिताजी। आप बच्चों को अपनी असीम आशीषों से भरो पिताजी, और हर एक पाप से बच्चों को दूर रखो मेरे पिता, क्योंकि आप परमेश्वर हो, आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती पिता। आज मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जिनकी कोखें खाली हैं पिताजी। आपने इब्राहिम की पत्नी को पिताजी 90 ईयर्स में पिताजी आपने एक बच्चा दिया, इजहाक दिया, और पिताजी इसी तरह पिताजी आज के दिन पिताजी जितने भी बहने हैं पिताजी जिनकी कोखे खाली हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी कोखे भरने पाए, उनकी कोखों का फल आने पाए पिताजी, उनकी बंद कोखे खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप उन बहनों को अपने असीम आशीषों से भर दो, क्योंकि पिताजी बच्चे आपकी ओर से होते हैं और बच्चे आपकी आशीष होते हैं। और पिताजी मैं आपकी बेटी होने के नाते पिताजी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता उन लेडीज को पिताजी, उन बहनों को पिताजी आज के दिन पिताजी आप आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनकी कोखे भरने पाए, खुलने पाए पिता। पिता मैं ऐसे भाइयों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ जो पिताजी नशे कर रहे हैं पिताजी, जो अपने परिवार को ठीक से देखते नहीं हैं पिताजी। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं पिताजी, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनके शरीर में बीमारियां हैं पिताजी। मैं उनके लिए आपसे आज के दिन प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए, सारा नशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए, सारे शैतान की रस्सियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल जाए, राख हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप सारी
शैतानी शक्तियों से ऐसे भाइयों को बचा के रखिए मेरे पिता, और अपनी असीम आशीष उन भाइयों के ऊपर आप दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिता आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो। आप तो पिताजी हमेशा अपनी आशीष अपने बच्चों को देते रहते हो पिताजी, आप अपना आशीष वाला हाथ हमेशा अपने बच्चों के सरों पर रखते हो पिताजी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो लोग पिताजी इस वक्त बीमार हैं, जो बूढ़े इस वक्त बीमार हैं पिताजी, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो बुजुर्ग पिताजी इस वक्त बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप उन्हें चंगा करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा थायराइड, सारा शुगर, सारा पैरालाइसिस, सारा अंधापन, सारा चमड़े के रोग, सारा कैंसर, सारी हार्ट की प्रॉब्लम, सारी पेट की समस्या, सारे घुटनों की समस्या, हड्डियों की समस्या, यूरिक एसिड प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और जाता रहे, क्योंकि पिता आपके कोड़े खाने से पिता सारी बीमारियां आज के दिन दूर हुई है, और मैं विश्वास करती हूँ पिताजी कि आज के दिन सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं और जा रही हैं और जा रही हैं। सारी बीमारियों के लिए पिताजी आपसे प्रार्थना करती हूँ, और सारे वायरस के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी। सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ इस दोपहर के वक्त पिताजी, आप सभी लोगों को, अपने बच्चों को पिताजी इस दोपहर के वक्त पिताजी आप संभालो, आप उनकी रक्षा करो, क्योंकि पिताजी आपने सुबह से लेकर दोपहर उन्हें संभाला है, उन्हें सुरक्षित रखा है पिताजी, और आप उनकी रात पार लगाओ मेरे पिता। और आप सभी बच्चों को, सभी लोगों को पिताजी अपने अपने विश्वास में और भी ज्यादा आगे बढ़ाओ पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और पिताजी कुछ ज्यादा मांग लेती हूँ तो मुझे क्षमा करना, और पिताजी तब भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी होने पाए। और पिताजी ये छोटी सी विनती और प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी और सलीबी नाम से मांगती हूँ, आमीन।